Good morning children, this is video part 2 of class 6 English, and in this video we are going to solve activity number 3 from your chapter number 2. So let's start. So this is your activity number 3. So let's read. Three characters have spoken in the story so far. Who are they? अभी आपने स्टोरी देखी और वहाँ पे जो है तीन कैरेक्टर ऐसे हैं जो बात कर रहे हैं. तो दो कैरेक्टर जो थे वो है पैरट. पैरट ने बोला था, जो ओल्ड पैरट था. उसके बाद लायन था और फिर एलिफेंट ने बोला था. तो जो थ्री कैरेक्टर्स हैं उनके नेम जो है आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं इस बॉक्स में, फर्स्ट बॉक्स में. तो आप लिखोगे आंसर द पैरट, द लायन एंड द एलिफेंट. सो आगे मूव करते हैं. लुक केयरफुली एट स्टोरी. आपको स्टोरी को ध्यान से देखना है. हाउ डू यू नो हु इज स्पीकिंग. आप कैसे जानते हो कि कौन बोल रहा है. तो हम लोग देख रहे थे स्टोरी में द एलिफेंट सेड, द पैरट सेड, द लायन सेड. तो वहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि लायन बोल रहा है, पैरट बोल रहा है या फिर एलिफेंट बोल रहा है. हाउ डज द पंक्चुएशन इन द स्टोरी शोज यू दैट द करेक्टर्स आर स्पीकिंग. नोटिस एंड कॉपी वन ऑफ द कोटेशन विथ इट्स पंक्चुएशन फ्रॉम वन ऑफ द कैरेक्टर. आपको क्या करना है, उनकी पंक्चुएशन, मीन्स पंक्चुएशन मतलब एक सही तरीका जो होता है, जिसे लिखा हुआ है द एलिफेंट सेड, एलिफेंट ने कहा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा आता है. डबल इन्वर्टेड कोमा क्या होता है आप स्क्रीन में देख सकते हो. डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी चीज़ें लिखी होती हैं ना, वो स्टेटमेंट होता है. जैसे कोई किसी ने कुछ बोला है तो उसको सेम टू सेम वैसे ही उसमें लिखा जाता है. तो वो कहा जाता है कि किसी के द्वारा बोला हुआ सेंटेंस है, तो उसी को हम कहते हैं कोटेशन. तो आप याद रखोगे डबल इन्वर्टेड कोमा, उसको बोलते हैं कोटेशन. और आपको मैं स्टोरी दिखाता हूँ, उस स्टोरी में क्या क्या है. तो ये आपकी स्टोरी है और आप स्टोरी में देखो कि आपको जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है वहाँ से मैंने आपको एक टिक मार्क भी किया हुआ है. तो वहाँ से द एन ओल्ड पैरट सेड, एक बूढ़ा पैरट जो है उसने कहा. तो यहाँ से देखो कॉमा लगाया, फिर इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ से जो है कोटेशन स्टार्ट होता है. स्टॉप शाउटिंग, लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम एंड एनर्जी इन टॉक, लेट्स फाइट. और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा करके आपका कोटेशन एंड होता है. तो आप ये पहला एक लिख सकते हो एक सेंटेंस, एन ओल्ड पैरट सेड ऑल लास्ट तक. उसके बाद देखो अगेन जो है थर्ड व्हाट सेड द लायन लिखा हुआ है, उसके बाद कॉमा और डब और इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट किया गया है. तो ये जो है आपका सेकंड सेंटेंस होगा. उसके बाद द एलिफेंट सेड वाला है वो थर्ड सेंटेंस होगा. तो आप यहाँ पे कोई भी एक सेंटेंस लिख सकते हो. तो आपको यहाँ पे कोई भी एक सेंटेंस चूज करके लिखना है और वो भी इन्वर्टेड कॉमा के साथ में, कोटेशन के साथ में. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. द स्टोरी सेज, स्टोरी कहती है ऑल द एनिमल्स दैट वॉक ऑन द लैंड एंड ऑल द बर्ड्स एंड इंसेक्ट दैट फ्लीव इन द स्काई बिगेन टू क्वेरल. सभी जो एनिमल्स हैं जो लैंड पर चलते हैं और जो हवा में आकाश में उड़ते हैं, वो सभी लड़ने लगे. एट फर्स्ट दे स्पोक सॉफ्टली, पहले उन्होंने बड़े आराम से बात की एक दूसरे से. देन स्लोली दे बिकेम एंग्रियर एंड लाउडर, उसके बाद वे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गुस्से में बातें करने लगे. यू नो दैट वॉट थ्री कैरेक्टर सेड बट वॉट डिड द अदर एनिमल से. फॉर एग्जाम्पल द स्टोरी सेज. देखो हमने यहाँ पे देखा अभी एक्टिविटी 3 में कि कौन से तीन एनिमल्स ने कुछ खास बात कही थी. और भी बहुत सारे एनिमल्स थे. टाइगर्स था वो ग्राउल कर रहा था, वुल्फ जो है वो हाउल कर रहा था, बर्ड्स जो है वो चिल्ला रही थी, केकल कर रही थी, इंसेक्ट जो है वो बजिंग कर रहे थे. तो वो लोग वो लोग क्या बोलते होंगे. तो ये आपको एक ग्रुप डिस्कशन में सोच के समझ के अपने हिसाब से एक आंसर लिखना है. द टाइगर ग्राउल्ड एंड द वुल्फ हाउल्ड, द बर्ड्स गेव लाउड क्राइज एंड केकल्स, द इंसेक्ट बज्ड एज लाउडली एज दे कुड. तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि टाइगर जो है ग्राउल कर रहे थे, वुल्फ जो है हाउल कर रहे थे. मीन्स उनका बोलने का जो तरीका होता है उसको, टाइगर जो है वो ग्राउल करता है, वुल्फ जो है हाउल करता है, बर्ड्स जो है वो केकल्स करते हैं, चहचहाने का काम करते हैं. द इंसेक्ट बज्ड, और बजिंग का काम जो है, भिन्न भिन्न की आवाज़ आती है जब मक्खियाँ हमारे कान के आसपास से गुजरती हैं. तो जितनी तेज़ी से वो कर सकती थी उतनी तेज़ी से वो कर रही थी, लेकिन वो भी कुछ बोल रही होंगी. तो वो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से समझ के लिखना है. और दूसरा, यहाँ पर जो हमने पहले एक्टिविटी 3 में कोटेशन किया कि एलिफेंट क्या बोल रहा है,
पैरट क्या बोल रहा है, वहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा था, यहाँ पर आप जितने भी कोटेशन दिए हुए हैं इस नीचे वाले बॉक्स में जो है सारे कोटेशन जो है लिखेंगे, मीन्स जिसने जिसने जो जो बोला है वो आपको डबल एनोटेड कोमा के साथ में लिखना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो पार्ट, थैंक यू।